नमस्कार। आज हम बच्चों आपको बताएंगे मॉर्निंग राग के अंतर्गत भैरव थाट से उत्पन्न राग, जिसे आश्रय राग भी कहते हैं। राग भैरव के विषय में हमारे भारतीय संगीत की एक परंपरा है और कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं कि ऐसा माना जाता है कि पांच स्वर से कम का राग नहीं होता और सात स्वर से ऊपर का राग नहीं होता। तो इसीलिए हमारे भारतीय संगीत में इसकी जाति बनाई है कि जिसके आरोह अवरोह में पांच स्वर लगे उन्हें हम अवरोजात का राग कहते हैं और जिनके आरोह अवरोह में छह स्वर लगे उन्हें कौन सा जात कहते हैं? षाड़ोजात का। और जिसमें सात सात स्वर लगते हैं उसे हम संपूर्ण जात का राग कहते हैं। इसी प्रकार ताल के विषय में भी नियम है कि सबसे कम मात्रा की ताल छह मात्रा की होती है, उसे हम कहते हैं दादरा ताल, जानते हैं ना। और सबसे बड़ी तालें जो हैं वो है 28 मात्रा की, जिसे कहते हैं ब्रह्म ताल। छः सात आठ मात्रा की तालें भजन गीत गज़ल आदि बजती है। झप ताल, तीन ताल, चार ताल, धमार, दीपचंदी, तीन ताल, यानी 16 मात्रा तक के जो तालें हैं वो अक्सर ख्याल के लिए प्रयोग की जाती हैं और लाइट म्यूजिक के लिए। लेकिन 17 मात्रा से और 28 मात्रा की तालें ये अक्सर पखावज पर बजती हैं, रुद्र है, अष्टमंगल है, और पखावज में ध्रुपद अंक की गायकी के लिए वो ताल प्रयोग की जाती हैं, पखावज में बजती हैं। कभी कभी तबले पर भी सोलो वादन कर लेते हैं, लेकिन इसे हम अप्रचलित ताल कहते हैं। कुछ विद्वानों ने और भी किताबों में पढ़ा है 35, 36, 40 मात्रा की तालें बनाई हैं, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं है। यहाँ हम इस बात का उल्लेख कर रहे हैं जिसको हम मान रहे हैं, हिंदुस्तान देश विदेश के शास्त्रकार मान रहे हैं, जो सर्वमान्यता गुण है उसमें सबसे कम मात्रा के 6 दादरा ताल और 28 मात्रा ताल हैं। तो ताल के साथ साथ जब राग का प्रकरण आता है, अक्सर विद्यार्थी जब संगीत सीखने जाता है तो गुरु उस्ताद जी का कहना है कि भाई राग सुबह का समय है तो रे धा कोमल का राग है, शाम के समय है तो तीव्र मध्यम के स्वर का राग है, जैसे यमन कल्याण है, सुबह रेधा से पहले रियाज करवाते थे कि भाई सारे अलंकार करो। जो हम अलंकार का रियाज करते हैं शुद्ध स्वरों का, उसे हम राग बिलावल में डालते हैं। फिर गुरु उस्ताद जी कहते थे इसमें रेधा कोमल करके करो, तो रेधा कोमल करके जब हम उसी आरोह को कहते हैं तो हमारा बन जाता है राग भैरव। फिर कुछ दिन के बाद गुरुजी कहते हैं अब ऐसा करो कि इसमें रे गा धानी चारों स्वर कोमल करके गाओ। तब जब उसका अभ्यास करते थे तो बाद में बताते थे कि भाई कौन सा राग, तो ये भैरवी बन गया। तो राग जो बदलने में और एक राग से दूसरे राग में जाने में बहुत कम समय लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि राग गाना उसके लिए कठिन है जो समझता नहीं। अगर आप लाइट म्यूजिक बिना समझे गा सकते हैं, यूट्यूब से गा सकते हैं, सुन गा सकते हैं, लेकिन राग में जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं गाएंगे। और समझने के बाद एक शक्ति पैदा होती है। एक मैं उदाहरण बताता हूँ राग भैरव, देखिए जैसा स
सारे, इसकी पहचान है रेधा कोमल। सारे गामा पाधा नी सा, अब सा नी धा पा मा गा गा म रे सा। अब इसी में देखिए भैरव थाट, थाट का मीन्स पता है ना क्या होता है, पिता। तो राग का एक बार जान लीजिए, थाट और राग दोनों साथ साथ हैं। थाट से रागों का जन्म होता है, रागों से थाट का जन्म, जोर से बोलिए, थाट से रागों का जन्म होता है, रागों से थाट का जन्म नहीं होता। यानी एक थाट से एक जात के बहुत सारे राग, जैसे भैरव थाट है, शुद्ध भैरव है जैसे भैरव कहते हैं, नट भैरव है, हिजाज भैरव है, शिवमत भैरव है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ राग भैरव। लेकिन कौन प्रोडक्शन करता है, थाट। तो थाट से हम बताते हैं राग जो बदलते हैं, सारे गामा, पहले अगर हम बता रहे हैं सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, कौन सा भैरव कहेंगे ना, अभी भैरव नहीं बना। राग भैरव थाट का एक राग है कलिंगड़ा, सा भैरव कलिंगड़ा समान है। कब भैरव बनता है वे देखिए, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, अभी कलिंगड़ा है। जब रे धा को आरोह अवरोह में आंदोलित करेंगे तब कलिंगड़ा से भैरव बनेगा। देखिए सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा धा मा पा गा गा म रे सा। तो क्या देखा, रे धा सब संपूर्ण जात के हैं। रे धा को आंदोलित आंदोलित किया मैंने तो राग कालिंगड़ा से भैरव बन गया। अब क्या करेंगे, रे का धानी कोमल कर देंगे, नहीं उसके बाद क्या करें, अगर इसमें आरोह अवरोह में राग भैरव के आरोह में जहां रेधा कोमल है वहां हम रे शुद्ध कर देंगे और धा कोमल। देखिए सा रे 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 शुद्ध है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा धा मा पा गाम रे भैरव गाम रे सा। तो जब हम इसी राग भैरव में रे धा के जगह धा कोमल और रे शुद्ध करेंगे तो राग बन जाएगा नट भैरव, जो एमए का राग है। और बड़े विख्यात स्वनामधन कलाकार थे, विश्व विख्यात पंडित रविशंकर जी, उन्होंने इस राग को बनाया है, जन्म दिया है। अब हम अगर इसमें सा रे गा मा पा धा नी, नट भैरव राग जो है उसमें रे शुद्ध है, अब धानी कोमल करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा गा मा रे नी धा सा। देखिए अब रे गा धा नी कोमल कर देंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आप पूछेंगे गुरु जी कौन सा राग है, चारों कोमल गाया तो भैरवी हो गया। तो जो ये डर है कि एक राग पहले के गुरु उस्ताद क्या है कि हमें स्वयं गाते बजाने के बाद गुरुजी ने कहा कि आप ऐसा है अभी अलंकार का अभ्यास करो,
जो तान लगा रहा हो भैरव में, नट भैरव गा रहा हो, उसे कहा जाए कि आप केवल अलंकार करो। कई महीने भैरव का अलंकार किया, मन में थोड़ा अजीब सा लगे कि हमें एकदम यहाँ से यहाँ ला दिया गया, लेकिन उसका मतलब था कि इस थाट के जितने भी राग हैं, हम बैठे जाएंगे, ये बदलो भैरवी, ये बदलो नट भैरव, ये बदलो बस, तो करते जाएंगे। अब देखिए, राग हमारे भारतीय संगीत में एक थाट से 484 राग उत्पन्न बताया गया है, बहुत से राग बने हैं। राग बनाने में देर नहीं है, आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, उसका ज्ञान आवश्यक है। एक ध्यान दीजिएगा, अगर आपने रेगा धानी कोमल किया, राग भैरवी बन गया, रेधा कोमल किया तो भैरव बन गया, धा कोमल भैरव में और रे शुद्ध किया, नट भैरव बन गया। राग नट भैरव में रे शुद्ध है, धानी कोमल किया, चारु कैसी बन गया। अब हम एक चीज बताते हैं, आरोह भैरव के लीजिए राग कैसे बनते हैं, आरोह भैरव लीजिए और अवरोह नट भैरव के लीजिए, देखिए नया राग बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। सारे गा मा पा धा नी सा, राग भैरव, सारे गा मा पा धा नी सा, अवरो सा नी धा पा मा गा रे सा। यानी अमूमन क्या है कि आरोह आपने लिया भैरव का और अवरोह ले लिया नट भैरव का, अब दो राग हो गए, नट भैरव वो दोनों मिक्स राग है, अब इसका नाम कौन रखेगा, आप रखेंगे, चाहे कह दीजिए प्रभात भैरव, चाहे कह दीजिए प्रभात फेरी, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन इसके गाने में कुशलता क्या है कि तान जाएगी इधर भैरव की, उधर से जब भी लौट के आएगा तो नट भैरव की तान होगी रे शुद्ध करके। अगर ये कुशलता है आप में तो आप राग बना सकते हैं, और ये नहीं है तो राग केवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गा नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है विद्यार्थियों से यही कि राग गाने बजाना बहुत सरल है, तैयारी तो करनी करनी है, उसको समझना, समझने के बाद आपने केवल भैरव थाट से जितने राग निकाले, 4-5-6 राग देखा, अभी बहुत सारे राग हैं मगर आज हम नहीं बताएंगे, आज शुद्ध राग भैरव का एक बंदिश गाएंगे, ठीक है, चलिए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन, सबन के प्रभु दाता, सबन प्रभु दाता, सबन के प्रभु दाता, सबन के प्रभु दाता, सबन के प्रभु तू भजले मन घरी पल छिन, प्रभु तू भजले प्रभु तू भजले मन घरी पल छिन, प्रभु दाता सबन के प्रभु दाता। ये बंदिश कहाँ से उठ रही है, प्रत्येक बंदिश की एक जगह होती है, ताल है, तीन ताल, देखिए, दाता सबन, 1 2 3 4 5 6 प्रभु दाता सबन के प्रभु दाता, सबन प्रभु तू भजले मन घरी पल छिन, प्रभु तू भजले
प्रभु तू भजले मन घरी पलछिन प्रभु दाता सबन के प्रभु दाता अंतरे जो तू चाहे दूध पूत अन ये अंतरा कहां से उठ रहा है देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जो तू खाली से जाहे दूध पूत अन जो तू चाहे दूध जो तू चाहे दूध पूत अन धन लक्ष्मी मानवा को नाम धन लक्ष्मी मानवा को नाम लेवा के रब को नाम ले प्रभु प्रभु दाता सबन के अब देखिए थोड़े थोड़े पीस सारे गाम रे गे सादाता सबन गामा पा रे गे सारे गे सारे गे सा के ताल तीन ताल चलिए इसमें मिलिए पहले तुम चलो सारे गाम रे गे सा के प्रभु दाता आगे गामा पाधा पा रे गामा पा सारे गामा सबन के लय आपको पकड़ना है प्रभु दाता सब गामा पाधा मा पा रे गा मा पा गा मा गा रे सा प्रभु दा तुम बोलो साथ साथ पा धा पा दोनों साथ साथ पा धा पा नी धा पा नी धा पा धा पा धा मा पा गामा गा गामा रे सा सबन के प्रभु सबसे बड़ी है कि एक्सपीरियंस जो दिमाग में सोचेगा वही निकलेगा मुंह से नहीं तो डरोगे गामा पा धा पा गामा पाधा पा पाधा मा पा गामा गा सबन के सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा सबन के अब देखो सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा सबन सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा सरगम बोलिए सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे के पदुगाता हाँ
दाता। अब बंदिश में सजावट जो खूबसूरती प्रभु दाता, सबन के प्रभु खुला सुगम देखिए, पदा मा पा गा मा गा सा वै ने रे गा मा पा गा मा गा गा मा गा गा मा गा सा वै ने। मैं विभिन्न प्रकार से मिलता हूं, सुनते जाइए। पदा मा पा गा मा गा सा रे गा मा पा मा गा पा मा गा पा मा गा सा वै ने के एक गा मा पा दा पा रे गा मा पा गा 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 सबन के सबन के पधनी सा धनी धप धमा पा गामा नी नी धप धमा पा गामा गा मगरे सा गामा गा मगरे सा गामा गा मगरे सा के। तो कभी कभी एक मात्रा कम के अधिक आपको सही अंदाज होना चाहिए। पधम आपा गामा गा मगरे सा मगरे सा मगरे सा के दाता सब ने रे रे गामा रे रे गामा पा बोलिए रे रे गामा रे रे गामा पा पधम आपा गा गमरे सा गमरे सा सब ने के लय आपने पकड़नी है। तो ये गमक है आ के इस बंदिश में आपने देखा कि प्रभु दाता सबन के सबके हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे तभी वो सबके साथ हैं, और नहीं करेंगे तो किसी के साथ नहीं है। ठीक है, इस बंदिश का मतलब अर्थ और भावार्थ यही है। और सबसे बड़ी बात साधना, साधना के बाद आपके मन में एक उल्लास एक हिम्मत आ जाएगा। और अगर साधना नहीं तो छुप छुप के आप डरे बैठे हैं, केवल गुरु उस्ताद के मुंह देख रहे हैं, कहने की बात आती तो घबराहट आती है। साधना इलाज है, कीजिए अच्छा गाएंगे। ठीक है, प्रभु से प्रार्थना है सबन के वो आपका साथ दें। धन्यवाद।